बाहर बरामदे में सेटिंग में कर रहा था कि यहाँ पे बैठेंगे सारे, लेकिन बस फिर ये जगह ठीक है, टेबल वगैरह टेबल सेट पे कर लेंगे और आराम से फिर यहाँ पे सेटिंग होगी यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं सब मेरे सारे दोस्त, मेरे सब्सक्राइबर? क्या हो रहा है, मौसम कैसा है आप लोग की तरफ? बस आज इंशाल्लाह ब्लॉग में बना रहा हूँ। कुछ दोस्त हैं पिशावर से, कुछ यहाँ के लकी के हैं, और एक कज़न उधर सऊदी अरब वो भी आया हुआ है, तो इंशाल्लाह उनके साथ एक गैदरिंग का प्रोग्राम है जिसे हम सोबत कहते हैं, तो उसी इंशाल्लाह तैयारी करेंगे, सेटिंग सारी करेंगे। बाकी जो जो मेरे चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ में घंटी के बटन को दबाना ना भूलें कि आप लोगों को हमेशा न्यू और अच्छी वीडियो मिले। तो साथ में फिर वो सेटिंग कर देंगे, हमारे घर में प्रोग्राम है, उधर दरी लाऊंगा, पंखा लाऊंगा बरामदे में, तो सेटिंग वगैरह करते हैं, तो वो भी उसकी भी वीडियो बनाएंगे साथ में और सेटिंग वगैरह करेंगे। इस छोटे से लड़के से जब मैंने पूछा कि आप कहाँ पे हो, कहाँ पे आपका घर है, घर में कौन कौन कमाने वाले हैं, तो इसने कहा कि कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और कोई कमाने वाला नहीं है। तो बस वो आ गया और बोल रहा है कि कागज़ हो, गत्ते हो, जो भी हो दे दो, फिर वो आगे सेल कर। अच्छा नाम दे बच्चा, अच्छा नाम दे कुम जी ने, कुम जी है अहमदाबाद वाले, कोर से मुझो नस्ता। ये गरीब एक लड़का आगे मेरी दुकान में कहता है कि गत्ते वगैरह दे दो, ये फिर बेचते हैं अपने घर का, घर वालों का ख्याल रखते हैं और पेट पालते हैं अपना और अपने घर वालों का। बस हमें ऐसे बंदों की मदद करनी चाहिए बिला किसी फ़ायदे की या किसी उसकी, ये मासूम लोग होते हैं। सब्ज़ी की दुकान पे मैं आ गया, माशाल्लाह बहुत अच्छी दुकान है ये वाली, लक्की सिटी में फेमस है। यहाँ से खीरे लेते हैं, प्याज लेते हैं, टमाटर लेते हैं सलाद के लिए। बस ये जैसे फ़ारग होगा तो बस इसको मैं कह दूँगा कि ये चीज़ें दे दो मुझे। बस सलाद के लिए नींबू ले लिए, प्याज ले लिए, टमाटर ले लिए, खीरे ले लिए, इंशाल्लाह अच्छा सा एक सलाद बनाएंगे। महंगाई बहुत है, बस अभी जाता हूँ और दरी लाता हूँ, पंखा लाता हूँ, यहाँ पे सेटिंग करते हैं। छत वाला पंखा ख़राब है वो सामने जो है, तो बाकी सेटिंग यहाँ पे करेंगे, शाम के बाद इंशाल्लाह यहाँ पे सोबत का प्रोग्राम होगा। ये हमारी मुर्गों की जगह बनाई है, एक मुर्गा और दो मुर्गियाँ, पर ये देखो उनका अपना घर बना हुआ है लेकिन यहाँ बैठे होते हैं छत पे, इस पे दरख्त पे। ये है मुर्गा, एक मुर्गी ये है वाइट और एक है ब्राउन, ये छत पे बैठी हुई है। फिर शाम के बाद फिर ये अंदर आ जाते हैं, लगते हैं इनको दरख्त पे बैठना बहुत अच्छा लगता है, ये देखो। और ये इनका अपना गोडल है, यहाँ पे रहते हैं मुर्गियाँ। चोचो कहाँ है मिकाशा, कहाँ है मिकाशा, चोचो किधर है, ऊपर बैठे हुए हैं चोचो, कहाँ है चोचो में काशा, हमें काशा दो, नीचे नहीं आते। अच्छा मिकाश उनको बुला रही है, चोचो को नीचे आ जाए, मुर्गियों को बुला रही है पर वो नीचे नहीं आते, डरती है मुर्गी आपसे। अच्छा चलो खैर, डरती है। पहले बाहर बरामदे में सेटिंग में कर रहा था कि यहाँ पे बैठेंगे सारे, लेकिन बस फिर ये जगह ठीक है, टेबल वगैरह टेबल सेट पे कर लेंगे और आराम से फिर यहाँ पे सेटिंग होगी, यहाँ पे हम गैदरिंग सोबत वगैरह आराम से कर सकते हैं। रूम माशाल्लाह सेट है, गेस्ट रूम है हमारा। तेरा भी नुकसान प्रचीन है आदमी। बहुत काश है।
साड़ी फैमिली आली होंदी है ਸਾਡੀ ਮੱਖਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਆਹ ਮੱਖਣ ਦਿਓ ਕਿਨੇ ਦਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਪਲੇਟ ਐਸੇ ਉੱਤੇ ਵਾਸਿਆ ਨਿਮ ਕੱਗੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਰੇ ਤਾਂ ਨਾ ਵਾਸੀ ਵੀ ਆਈ ਤੇ ਵਤਰ ਦੇ ਨਾ ਵਧੀਆ ਸਾਬ ਮਹਿਮਾਨ ਆਈ ਲੰਗਾ ਮੈਂ ਕਹਨਾ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਨੇ ਕਹਨਾ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਹਨਾ ਮੁਕਰਮੀ ਦਾ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕੋ ਕਹਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂ ਜਗਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅਸਲ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਰਥਡੇ ਕਹਨਾ ਉਹ ਵੀ ਵਤ समान सर लवाए ने बिस्मिल्लाह। तो ये था जी मेरा छोटा सा व्लॉग कज़नों के साथ, दोस्त आए थे, बस गैदरिंग हो गई है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। इंशाल्लाह दुआओं में याद रखना। ज़िंदगी तो नए ब्लॉग में इंशाल्लाह मिलेंगे जी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।